दिनों दिन चढ़ता पारा अब गाड़ियों के लिए भी खतरनाक साबित तो होता जा रहा है कुछ ऐसा ही हुआ आज गुरुग्राम में जब एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और हालात ये थे कि ड्राइवर उसमें फंस चुका था लेकिन बुरी तरह जलने के बावजूद ड्राइवर ने पास के एक सीवर में कूद अपनी जान बचाई कहा पर हुआ ये पूरा हादसा दिखाएंगे आपको इस खबर में नमस्कार मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज लगातार बढ़ते पारे की वजह से गाड़ियों में आग लगने की कई खबरें तो हमने आपको अक्सर दिखाई हैं और हमेशा आगाह भी किया है कि इस समय आप टेम्परेचर पर पूरी तरह से ध्यान रखिए लेकिन गुरुग्राम में आज एक हादसे ने दिलों को झकझोर कर रख दिया दरअसल हादसा गुरुग्राम के सेक्टर इकतीस के पास का है जहाँ एक अल्टो कार आकर खड़ी हुई थी और ड्राइवर उसी के अंदर बैठा था कि उसमें अचानक आग लग गई आग इस कदर बढ़ी कि पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई लॉक तक जो ड्राइवर इसके गाड़ी के डोर लॉक है वो पूरी तरह से लॉक हो चुके थे और ड्राइवर इसके अंदर बुरी तरह से फंस चुका था ड्राइवर के हाथ पैर जल चुके थे लेकिन आसपास के इलाके की बात बताएं तो ये आप इलाका देख रहे हैं यहाँ आसपास सुनसान इलाका होने की वजह से कोई लोग इसे मदद नहीं कर पा रहे थे दरअसल इस इलाके में पेड़ घने हैं और सामने स्टार मॉल और कुछ ऐसी आसपास एमएनसी कंपनी है हैं कि ड्राइवर दिन के समय यहाँ आकर छायादार पेड़ों के नीचे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब उनकी कॉल आती है तो वापस चले जाते हैं यही सोचकर इस अल्टो कार का ड्राइवर भी यहाँ पर आकर बैठा था लेकिन गाड़ी ने अचानक आग पकड़ ली आग इतनी बुरी तरह तरीके से थी कि वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था इस समय गाड़ी की कंडीशन देखकर भी आपको लग रहा होगा कि गाड़ी में कुछ नहीं बच चुका है सारा कुछ बुरी तरह से जलकर समा हो चुका है और उसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह हिम्मत करके आप देखिए कि डोर लॉक है किसी तरह हिम्मत करके इस गाड़ी में से वो बाहर निकला है क्योंकि वो बुरी तरह से झुलस चुका था और एकदम से उसे पास में ये खुला सीवर दिखाई दिया भले ही ये गंदे पानी का हो लेकिन उसने समझ बूझ दिखाते हुए इसके अंदर एकदम से छलांग लगा दी और इसके बाद वो हाथ लाने लगा जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी तब तक आग देख ली थी कुछ आसपास के युवक भी थे जो मदद के लिए आ गए थे क्या देखा था आपने सर मैं इधर से आ रहे थे सेक्टर इकतीस के मार्केट से फिर मैं यहाँ देखे बहुत सारा आग लग रहे थे फिर आग देखने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए और वीडियो बनाने के बाद मैं आया जब मैं देखे थोड़ी आग जब स्लो होने के बाद फिर सीवर के अंदर से हाथ दिखा रहे थे फिर समझ में आया कि ड्राइवर इसमें खुदा पड़ाते हैं फिर सारे जनों मिल इसको निकलवाया फिर एम्बुलेंस के फोन करा फिर से के फोन करा फिर आया एम्बुलेंस में गया तब तक फायर विभाग की गाड़ी आ चुकी थी आ, आ चुकी थी जी अच्छा उन्होंने और आप मिल के उसको बाहर निकाला आ, क्या हालत थी उसकी उनकी बहुत बुरा हाल है जी पूरे सिर के पूरे बाल खत्म हो चुके हैं हाथ पूरे जल चुके हैं पूरे कपड़े भी जल चुके हैं लेकिन वैसे ठीक था वैसे ठीक है जी थोड़ा बहुत तो अंदर नुकसान तो हुए होंगे जहाँ तह मतलब शरीर भी हाथ भी बाल अच्छा, यहाँ गाड़िया आती कम है यहाँ पे ड्यूटी वगैरह थोड़ी ज्यादा आते हैं तो यहाँ कंपनी वगैरह के चक्कर में न यहाँ छाए की वजह से न गाड़ी खड़े हो जाते हैं और इसके बाद खड़े होने के बाद मतलब जब ड्यूटी आते चले जाते हैं तो पेड़ के कारण छाए के कारण है कि यहाँ पे खड़े रहते हैं आराम करने के लिए तो एक दमकल विभाग की गाड़ी ने आते ही आग पर काबू पाना शुरू कर दिया वहीं दमकल कर्मियों और इन इस युवक ने मिलकर उन उस जो ड्राइवर थे उसे इस सीवर से बाहर निकाला आप देख सकते हैं कि कितना घबराया हुआ बाहर जब वो आकर इस पत्थर पर बैठा था तो वो बुरी तरह से घबराया हुआ था क्योंकि उसकी बा मुश्किल जान बची थी और उसके बाद तुरंत ही 112 पर कॉल की गई थी एम्बुलेंस कॉल की गई थी एम्बुलेंस से तुरंत ही उसे नज़दीक के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जिस एम्बुलेंस से उसको लेकर गए हैं क्या उसकी कंडीशन थी और अभी क्या हालात है वो पहले सुन नाम बताइए अपना संदीप संदीप क्या सूचना आई थी हमारे पास एक पर से कॉल आई है जी हाँ और हमारे को कॉल आने के तुरंत हमने बात की कॉलर से उसने बताया जैसे यहाँ पे है

कुल मिलाकर एच आर ट्वेंटी सिक्स सी आर टू फोर सिक्स फोर नंबर की ये अल्टो कार के ड्राइवर की खुशकिस्मती थी कि आसपास से ऐसे मददगार युवक निकल रहे थे और फायर ब्रिगेड भी, भी मौके पर पहुंच गई थी जो उसे बचा लिया गया वरना इस सुनसान इलाके में यदि वो अकेला होता और आसपास पास सीवर ना होता तो शायद आज उसके लिए काफ़ी बदकिस्मत दिन भी साबित हो सकता था इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता गुरुग्राम न्यूज